नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करेंगे खबर दोपहर की ओर। तो इस वक्त बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बयान से जो सियासी उठापटक शुरू हुई है उसका असर अब दूर तक भी देखने को मिलेगा। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार ने एक ऐसा ज्ञान दे दिया जिससे महिला एमएलसी रोते रोते सदन से बाहर निकली। अब बयान था भी कुछ ऐसा जिससे बवाल मचना बिल्कुल तय था। आगे की कहानी बताने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ अपना बयान दिया है पहले वो सुनाते हैं, और इसके साथ इस बयान के बाद वो 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि माफी मांगते हुए भी नजर आए हैं। तभी ना इसका होगा, अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे ना करता है, तो रतवा में सुत्ता है तो सुत्ता है तो सुत्ता है तो उसी में रहता है पनिया भी इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही देखिए निकाल लीजिए, माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापिस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है, देखिए नीतीश कुमार का ये जो बयान सामने आए हैं इससे अब बिहार की सियासत के साथ ही इसकी जो गूंज है वो केंद्र तक भी सुनाई दे रही है। अब इस पर विपक्षी दल एकजुट होकर हमलावर है। दरअसल बयान ही कुछ ऐसा था, जनसंख्या के बयान पर, जनसंख्या पर बात करते हुए सदन के अंदर नीतीश कुमार ने किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और एक बच्चे के पैदा होने के पीछे की कहानी को भी बताया, जिसके बाद सदन के अंदर मौजूद महिला एमएलसी रोते रोते तक बाहर आई है। और इस बयान के बाद नीतीश कुमार चौतरफा जब घिरने लगे, जब चौतरफा घिरते हुए नजर आए तो फिर नीतीश कुमार को अपने ही बयान पर शर्मिंदा होना पड़ा। फिर मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने बैलेंस करने की कोशिश की है, माफी भी मांगी है और साफ तौर पर कहा है कि ये मेरा एक गलत बयान था। अब इस बयान में नीतीश ने जनसंख्या बढ़ने की वजह एक अनोखे ही अंदाज में समझाई है। अब सोचिए जरा कि सदन के अंदर महिला विधायकों ने जब ये सुना होगा तो उनको कितना गुस्सा आया होगा। और इस दौरान जो एमएलसी है वो फूट फूट कर रोने तक लगी और सियासी गलियारों में चौतरफा नीतीश कुमार की निंदा तक होने लगी। और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल साथ में, आपके कौन नहीं जानता है सेक्सुअल, किसको पढ़ा रहे हैं आप। इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। देखिए इनका इंटेंशन शुरू से खराब रहता है, ये कभी भी कुछ भी कहीं अरे तरे कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी और भी एक प्रकरण है वो सामने आएगा धीरे धीरे आप लोगों के। इनकी लैंग्वेज लिटरेचर जो कहा जाता है संगत से गुड़ होते संगत से गुड़ जात, तो जिस संगत में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर थे, लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इनका जो क्या कहे तथा कथित हमारे डिप्टी सीएम है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त नहीं है, तो इनकी भी क्वालिटी वही हो गई है, वही ग्रेड हो गया है, तो मुझसे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई गलत मतलब निकालता है गलत बात, एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान है तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है सामने शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है तेजी जी सामने, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल है क्या, करना है प्रैक्टिकली बात जो भी आपके उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका नहीं लेना चाहिए, एतराज लेना। लेकिन
जब निंदा होगी तो महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया, तो समर्थकों को तो साथ आना ही पड़ा। नीतीश कुमार के समर्थन में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नजर आए और नीतीश कुमार के बयान को सेक्स एजुकेशन तक बता दिया गया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जिस बयान को लेकर विपक्षी दल मुद्दा बना रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दरअसल नीतीश कुमार इसमें सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि शब्दों की मर्यादा भूली गई, सदन की गरिमा को खुलेआम लांगा गया, फिर नीतीश कुमार जब चौतरफा घिरते हैं तो माफी मांग ली गई है। लेकिन क्या सदन के अंदर इस बयान की जरूरत थी? क्या इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने जो माफी मांगी है वो माफी डैमेज कंट्रोल का काम करेगी या नहीं करेगी? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ केसी जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, वह युवा कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त विशाल कुमार भी हमारे साथ मौजूद, और मनोज लाल दास जी प्रवक्ता जदयू के भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज लाल दास जी से करते हुए, देखिए मनोज जी, ये जो बयान दिया गया है सदन के अंदर, इस बयान की आखिर जरूरत क्या थी? नहीं थी अगर वो विषय क्या था उस पर, और अगर वो विषय जनसंख्या नियंत्रण या उससे जुड़ा हुआ था तो बयान को काफी हद तक हम सही कह सकते हैं, कुछ बातों को छोड़ के। तो ये तो मैं कल ही लोगों को कहा था, और आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर अपनी सफाई दे दी, अपनी काफी। अब ये प्रश्न होता है लोगों का आनंद जाना या बोलना या बीजेपी का इस तरह का नौटंकी करना, इसको तो नौटंकी ही हम कहेंगे ना, कि आज कोई एमएलसी रो रही है केवल बात से, और देश के मशहूर खिलाड़ियों ने जब आरोप लगाया था कि ये अठास कर रही थी, उस समय बीजेपी को मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। तो ये सब देखिए, ये सब राजनीति की बातें हैं, और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और कहने के बाद मुस्कान जी जब उसको उन्होंने माफी मांग लिया, तो ये बात को खत्म हो जानी चाहिए। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो भाजपा के जो विधायक वहां थे, जो आज यहाँ फटर फटर करते जा रहे हैं, वो वहां पर चुप क्यों बैठे थे, क्यों नहीं वहां? यानी कि मनोज जी आप सीधा कह रहे हैं कि जिस तरीके से शब्दों के जरिए सदन की मर्यादा भंग की गई, ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी को भी उसी टाइम सदन की मर्यादा को भंग करना चाहिए था, तोड़फोड़ मचानी चाहिए थी, हंगामा करना चाहिए था, यही कहना चाहते हैं आप? अरे भाई निकल जाना चाहिए था, अभी उनको खराब लग रहा है, उस समय अच्छा लग रहा था क्या? फिर मुख्यमंत्री जी विधान परिषद में जाकर बोले थे तो अच्छा लग रहा था, गजब वाली बात बोल रही है, उस समय इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। ठीक है मनोज लाल जी, इसका जवाब मैं सीधा कांग्रेस के उनसे भी लूंगी, और साथ ही साथ बीजेपी के नेता से भी लूंगी, केसी जैन जी से। केसी जैन जी, वो सीधे तौर पर आप पर ये एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी हो गई है कि बयान उनकी पार्टी की तरफ से दिया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को इतनी ही निंदा करनी थी, इतना ही रोना बिलखना था, तो सदन के अंदर क्यों नहीं रोए? सदन की गरिमा को आपको भंग करना चाहिए था फिर? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कभी भी इस तरीके का रोल नहीं रहा है कि किसी को सदन के अंदर अगर कोई वार्ता चल रही है तो वार्ता का मौका न दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी चुप रहेगी, अगर महिलाओं का कहीं अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी, अगर वो अगर उनको अपनी बात को कहने का पूरा अवसर देती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के महिलाओं के साथ भी आती। आपको याद होगा कि जिस समय बहन जी को लेकर के तमाम सारे बयान उत्तर प्रदेश में आए थे और पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद में कार्रवाई भी दिखाई दी थी। तो ये देखिए बहुत ही संदिग्धपूर्ण बयान है कि वहां पर महिलाएं भी हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, वो क्या सेक्स एजुकेशन देने की जगह है क्या सदन? वहां पे तो सभी लोग बेचोर बैठे हुए हैं, और ज्यादातर लोग तो उसमें या तो शादीशुदा है या तो बच्चे वाले हैं, और उसके बाद में इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल सेक्स एजुकेशन में भी, इस तरीके की अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, आदमी शादी के लिए जाता है
शादी जैसे शब्दों को अगर इतनी अमर्यादित शब्दों के साथ जोड़ा जाएगा तो शादी जैसी जो परंपरा हमारे समाज में, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर शादी जैसी एक पवित्र परंपरा है, उसको सर्वसार करना है। आप वहां बैठ के कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चे होते हैं, ये होता है, वो होता है, यानी कि मर्यादा बिल्कुल तार तार कर दी है। और उसके बाद में उससे भी ज्यादा घृणित कार्य वो लोग कर रहे हैं जो इसको, इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको साफ सुथरा बता रहे हैं, इसको सेक्स एजुकेशन बता रहे हैं। अब आप ये बताइए, अगर कोई किसी की मिट्टी में गया है और अगर वो जोक एक मोबाइल पे जोक दे करके वहां ठहाके मार करके हंस रहा है, फिर आदमी ये तर्क दे ये जोक तो भाई ठहाके मारने के लिए होता है, तो क्या किसी के अंतिम संस्कार में मिट्टी में जाके ठहाके मारेगा व्यक्ति? ठीक है, ये भाई ठहाके तो हर कोई मारता है, हंसता तो हर कोई है, हंसता तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये कौन सी चीजें हैं भाई? या आप किसी की शादी में जाइए, वहां मतलब मनाने लगे, तो हर चीज की जगह है। दीपावली में दीपक जलाए जाते हैं और होली में रंग खेला जाता है। बिल्कुल, आप रंग खेलेंगे दीपावली में और जब होली होगी तो वहां पे आप पटाखे जलाएंगे। बिल्कुल, तो हर चीज की जगह है, हर चीज की मर्यादा है। और इतना अमर्यादित बयान, इतना अश्लील बयान, उसके बाद में उसका तेजस्वी जी समर्थन कर रहे हैं, इनके पार्टी के लोग। केसी जैन जी, लाजमी है भैया, अब अगर समर्थन नहीं देंगे तो उनके पास कोई चारा बचता भी नहीं है ना भाई। समर्थन है तो उनको देना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है उनके पास। लेकिन देखिए, विशाल कुमार यादव जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। देखिए विशाल जी, ये जो नीतीश कुमार की तरफ से बयान दिया गया और जिसको डैमेज कंट्रोल माफी के जरिए कोशिश भी की गई है कि माफी मांग लिया जाए फिर डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, इस बयान पर कांग्रेस का टेक क्या है? कांग्रेस इस बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है कांग्रेस की तरफ से? आवाज आपकी नहीं आ रही है जी। विशाल कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए विशाल कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के अंदर ये बयान दिया है जनसंख्या कंट्रोल करने के पीछे और जनसंख्या बढ़ने के लिए जो उन्होंने तर्क दिया, जो स्टोरी बताई, इस बयान पर कांग्रेस का क्या टेक है? कांग्रेस इस बयान को कैसे देख रही है? विशाल जी, ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि विशाल कुमार यादव जी को दोबारा जोड़ा जाए क्योंकि उनसे हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब देखिए, छोटा सा एक मैं जवाब लेना चाहूंगी मनोज लाल दास जी से। मनोज लाल दास जी, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अगर गलत बयान दिया तो वो माफी भी तो मांग रहे हैं, लेकिन आपने एक वाक्य सुना है क्या कि जो बाढ़ से निकला हुआ तीर है और जो मुंह से निकले हुए शब्द है वो कभी वापस नहीं लिए जाते हैं? क्या सदन ऐसी जगह थी कि वहां पर इन सब बारे में समझाया जाए, बताया जाए? मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, हाँ जी मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि प्लीज मनोज जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन विशाल कुमार यादव जी से हमारा संपर्क स्थापित हो गया। विशाल कुमार जी, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के अंदर मर्यादा को भंग किया है, शब्दों की गरिमा को लांघा है और जनसंख्या बढ़ने के पीछे की जो कहानी उन्होंने खुलेआम बताई है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस बयान पर कांग्रेस का टेक क्या है? देखिए मुस्कान जी, आपका नमस्कार है आपको। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह विधानसभा में जो बयान दिया, हमें लगता है वो कहीं से निंदनीय नहीं, लेकिन ठीक है, जो जिस शब्द का उन्होंने चयन किया, शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन उनका जो सोच है वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, शब्द का जो उन्होंने चयन किया विधानसभा में, उस शब्द का चयन करना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन आज ये भी आवश्यक ये भी बताना जरूरी है कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा मात्र राज्य जहां महिला सुरक्षा के लिए काम होता है। पूरे देश में बिहार एक ऐसा मात्र राज्य जहां नीतीश कुमार ने सबसे पहले पंचायती राज में 50% आरक्षण लगाने का काम किया। हम और जो लोग आज नीतीश कुमार जी के बयान पे हास्यास्पद बता रहे हैं, वो लोग को बताना होगा, उन लोग से पूछना जाना चाहिए कि जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड कराया जा रहा था तो कहा महिला खिलाड़ियों को पीट रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे और महिला खिलाड़ी जब उस पर आरोप लगाती है तब कहां से किसी त्यागी और उनके पार्टी के नेता? जब पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का सेक्सुअल वीडियो वायरल होता है
तब कहाँ थे केसी त्यागी जी और उनके वो और उनके भाजपा के नेता? तब उनसे पूछना जाना चाहिए, जब प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को सदन में क्या क्या नहीं बोला, तब कहाँ थे भाजपा के नेता? लोक सांसद रेणुका चौधरी जी को क्या नहीं बोला गया, तब कहाँ थे सांसद भाजपा के नेता? तो ऐसे अपना मुंह में लाली ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह बात कहा वो बात सही है, आज जनसंख्या बढ़ने का कारण यही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस शब्दों का चयन किया वो गलत हो सकता है, लेकिन ठीक है। मनोज लाल जी क्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं? मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, देखिए मनोज जी सीधे सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई बयान तो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्होंने जो शब्दों का चयन किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। क्या ये जो उनकी माफिया है ये डैमेज कंट्रोल करेगी क्या, जिसकी कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है, ये नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है, उन्होंने 24 घंटा के पहले इस बात में माफी मांग ली, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ऐसा बयान देना ही क्यों कि माफी मांगनी पड़ जाए, ऐसा बयान देना ही क्यों? जिसको सुपनखा बोले उसको प्रधानमंत्री जी माफी नहीं, ठीक है मनोज जी प्रधानमंत्री जी माफी नहीं मांगे। कोई भी बात होती है बात बोलने के क्रम में बहुत कुछ निकल भी जाते हैं, और ये कोई माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा नहीं, कई नेताओं के द्वारा निकला है, और मुख्यमंत्री जी ने जब स्पीच को समझा और उनको लगा कि यहाँ कुछ गलत शब्द निकले हैं तो उन्होंने माफी भी मांग ली, आज सदन में बोले सदन के समय उन्होंने माफी मांग ली, तो ये तो बात है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ मुस्कान जी न, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो भाजपा के विधायक वहां चुप होके क्यों बैठे हुए थे, क्यों सुन रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं वहां अपोज किया? और अगर विधानसभा में बोलने के बाद मुख्यमंत्री जब विधान परिषद में भी अपनी बात को रखा, उन्होंने कोई देश दाग से कोई बात नहीं रखा, जो बात उन्होंने विधानसभा में रखा वही बात विधान परिषद में भी रखा, तो उस समय ये लोग क्यों वहां पर चुप बैठे हुए थे, क्यों नहीं उसका विरोध किया, बाहर आके रो रहे हैं, ये जनता को कितना डिमोरलाइज करेंगे? जब महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया तो इनका रोना नहीं आया, मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न घुमाया गया तो इनको रोना नहीं आया, तो ये सब देखिए राजनीति का अधिकार है। और जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया किसी बात को और उनको लगा कि ये गलत है तो उन्होंने माफी मांग लिया, तो फिर इस पर हाई टोवा क्यों, इस पर क्यों नहीं? क्या विधानसभा में बयान देने के बाद उनको विधान परिषद तक पहुंचते हुए ये समझ नहीं आया कि उनका ये बयान कितना बड़ा बयान है, महिलाओं को शर्मसार करने वाला बयान है, क्या उनको ये समझ नहीं आया? मनोज जी यही सवाल तो बीजेपी वाले से भी न पूछिए कि वो चुप क्यों रह गए थे, केसी जैन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आवाज मिल रही है आपकी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल केसी जैन जी, देखिए वो लगातार आप पर हमलावर है कि जब नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं तो फिर आखिर बीजेपी इतना शोर शराबा इतना हो हल्ला क्यों मचा रही है? वो ये चाहते थे सीधा, देखिए केसी जैन जी जो मनोज लाल दास जी है वो सीधा ये चाहते थे कि आप भी सदन के अंदर गरिमा को भंग करें, तोड़फोड़ मचाए, तब जाके उनके दिल को शायद सुकून मिलता, क्योंकि लगातार जिनता उनके बयान से मैं समझ पा रही हूँ वो यही कहना चाहते हैं कि आप भी सदन की गरिमा को भंग करते तो समझा जाता है कि आप उनके बयान के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी को गलत जब से उनका बयान आया है तब से लगातार माफी देना ना देना ये तो महिलाएं तय करेंगी, और अगर नीतीश कुमार जी को गरम करके बोलेंगे ना, प्लीज एक एक करके बोलते हैं, प्लीज एक एक करके बोलते हैं। मैं मनोज जी की विशाल जी की बात को नहीं सुन पाया, बहुत स्लो आवाज आ रही है, और अब
आप हमसे सवाल पूछ रहे तो जवाब ठीक है। देखिए केसी जैन जी, मनोज लाल दास जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर बीजेपी को इतनी ही तकलीफ थी नीतीश के बयान से तो उनको सीधे तौर पर वही विरोध करना चाहिए था। अगर उन्होंने विरोध नहीं किया और अगर नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर अंदर ही माफी मांग ली है तो फिर आखिर अब हो हल्ला क्यों हो रहा है, ये आरोप है आप पे। सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत से ही विरोध में है, मुकुर हो करके ऐसे चीजों का विरोध करती है। और रही बात माफी मांगने की, तो आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने जब अयोध्या में कार्यकर्ताओं पर गोली चलवाई थी तब उन्होंने भी माफी मांगी थी। तो ये तो वही कर रहे हैं कि किसी की हत्या कर दे, ये किसी ये महिलाओं की मानसिक रूप से हत्या करना है, उनकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, वो भी यूपी से ही है। ये तो बहुत गिरफ्तार किया है और अगर इनको अपने शब्दों को लेकर के और इनको अगर लगता है कि गलत बोले हैं माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे। सच्ची माफी तो तब होगी जब ये अपने पद से इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी से आए हैं, उन पर कुछ बोल दीजिए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी से आए हैं, उन पर भी कुछ बोल दीजिए। गंदी और अश्लील सबको देखिए, जब शादी का हाथ शादी के लिए जाया जाता है तो बात मर्यादित शब्दों में होती है। ये सब कोई जानता है कि भाई शादी के बाद बच्चे होंगे, ये कोई नहीं कहता है कि भाई हम इसलिए आए हैं आपके वहां शादी के लिए प्रस्ताव लेके। तो हर चीज की मर्यादा है, एक मर्यादा जिस प्रकार से भंग की है, जिस प्रकार से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से एक डी ग्रेड फिल्म जैसे वो लाइव प्रसारण उसका कर रहे हो सदन के अंदर वहां पे बैठ करके, सी ग्रेड डी ग्रेड फिल्म का इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल, अरे इतना घृणित कार्य किया है उसके बाद में उसका समर्थन करें कि भाई माफी मांग ली। फिर तो जो रैपिस्ट है उनको भी माफ कर देना चाहिए माफी मांगने के बाद में कि भाई गलती हो गई माफ कर दीजिए। और मुलायम सिंह यादव जी ने यही कहा था भाई बच्चों से गलतियां हो जाती है, ये तो उसी विचारधारा के निकले जो समाजवादी पार्टी कौन थे, बच्चों ने रेप कर दिया, कौन है कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, मानसिक रूप से रेप करने का काम किया है, मानसिक रूप से प्लीज बोलते रहे, यहाँ शाउटिंग मैच नहीं हो रहा है ना, प्लीज जनता ऐसे नहीं सुनना चाहती आपकी बातों को। विशाल कुमार जी बोलिए। देखिए मुस्कान जी, नीतीश जी के बयान पर भाजपा जो है तोबा मचा रखी है, उसको आज बताना होगा कि प्रधानमंत्री जी भरी सदन में कांग्रेस के सांसद को सूर्पनखा से संबोधित किया, प्रधानमंत्री जी अभी तक माफी नहीं मांगा। प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी को जस्टिस गाय कांग्रेस की विधवा 50 गर्लफ्रेंड ने बोला मोदी जी ने माफी नहीं मांगा। नीतीश कुमार जी की बड़प्पन है, विधानसभा में तो माफी मांगे ही मांगे और आकर मीडिया के सामने भी माफी मांगे। तो भाजपा जो राय तोड़ कर रही है उनको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी माफी कब मांगेंगे, उनको बताना चाहिए कि ब्रजभूषण सिंह माफी कब मांगेगा, उनको बताना चाहिए कि चिन्मयानंद स्वामी कब माफी मांगेगा, उनको बताना चाहिए कि जो भाजपा में रेपिस्ट मंत्री बन बैठे हुए हैं उनको भाजपा कब निलंबित करेगी, कब उनको। लेकिन जो निवेदिता सिंह जी बोल रही है, जो निवेदिता सिंह जी जो खजियारू में आपको बाहर विधानसभा निकलने का काम कही है, उनके आंसू तब कहां थे जब मंत्री प्रकट महिलाओं को नग्न परेड कराया गया था, उनके आंसू तब कहां थे सांसद को सुनने का संबोधित किया। तो चलिए विशाल कुमार जी, आपकी बातों से ये समझा जाए कि अगर जो गलती बीजेपी कर रही है आपके मुताबिक जो गलती बीजेपी कर रही है वही गलती आप भी करेंगे, फिर आप भी माफी मांग लेंगे, तो आप और उनमें फिर अंतर क्या रह गया? नीतीश कुमार, एक मिनट विशाल जी, जिन नीतीश कुमार के बयान को लेके आप लोग इतना हाई तौबा मचा रहे हैं, जितना समर्थन में खड़े हैं, वो एक राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हर एक सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, अगर उनकी तरफ से ये बयान उठेंगे तो सवाल किए जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा आपको। देखिए तो बिहार के जनता भी समझ, मैं भी आपको बोल रहा हूँ ना कि नीतीश कुमार जी का सोच गलत नहीं हो सकता, उनके बयान उनके द्वारा सब चेंज किए गए सब गलत हो सकते हैं, और इस शब्द के बारे में नीतीश कुमार जी ने अपने शब्द को वापस भी लिया,
विधानसभा में माफी मांगा, मीडिया के सामने माफी मांगा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री आज तक माफी नहीं मांगा। तो पहले तो प्रधानमंत्री से माफी मांगना चाहिए, कुलदीप सिंह सेंगर से माफी मांगना चाहिए, चिन्मयानंद स्वामी से माफी मांगना चाहिए और पूरी भाजपा से माफी मांगना चाहिए जिस भाजपा के नेता प्रधानमंत्री जी है। मैंने पहले भी कहा और कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है, नीतीश कुमार जी ने जो बोला वो सही था, लेकिन उनके शब्द सही नहीं हो सकते, शब्द सही हो नहीं सकते, शब्द उनके सही नहीं थे, क्योंकि शब्द वो हम लगातार सुना रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं, ये मानसिक रूप से रेप है, बिल्कुल ठीक है। अरे तो रेप करने वाले चिन्मयानंद स्वामी पर भी तो बोलिए, रेप करने वाले चिन्मयानंद स्वामी रेप करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर क्या विधायक है, रेप करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश से क्या विधायक है, ठीक है ना, नहीं करते हैं ना, बिहार की लड़ाई में यूपी सड़क के केंद्र तक क्यों लेके जा रहे हैं, प्लीज मुद्दे को डिरेल नहीं करना। मनोज दास जी, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके जो शब्द हैं वो वाकई गलत है, वाकई निंदनीय है, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको शब्दों का चयन करना आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि सदन की गरिमा क्या है, सदन में सेक्स एजुकेशन जानने के लिए कोई नहीं बैठा है, उनको मुद्दे को और उनको सेक्स एजुकेशन पर इतना संक्षेप में ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी, क्या सदन में कोई अनमैरिड था, क्या सदन कोई स्कूल था जहां पर ये ज्ञान की बातें दी जा रही थी। मुस्कान जी, सबसे पहले तो सदन एक स्कूल ही होता है, विधायकों का स्कूल ही होता है, जहां पर वो नियम कानून बनते हैं उसका स्कूल ही होता है, और हम आपको कह रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस तरह की अगर बातें हुई हैं, किसी को तकलीफ लगी हो या गलत है तो हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, उसके बाद कहां से कोई प्रश्न उठता है, कोई प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं मांगे हैं तो कोई प्रश्न होता है, ये हम लोगों की गलती नहीं है, हम लोग गलती नहीं है तो हम उसके लिए माफी भी मांग लेते हैं और हमने माफी मांग लिया है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह ऐसे मुख्यमंत्री को स्वयं इस बात का एहसास है कि उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, वो स्वयं कह रहे नीतीश जी कि हमने महिलाओं को अपमानित किया, मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत गलत बोला, जब वो स्वयं कह रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए ना, मनसा हमारी साफ थी। अरे भाई तो ब्रजभूषण सेन जी से इस्तीफा कब मांगेगा, मोदी जी से इस्तीफा कब मांगेगा, मोदी जी तक माफी तक नहीं मांगा, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी ने तो माफी तक नहीं मांगा, इस्तीफा की तो बात ही छोड़ दीजिए, सदन की कार्यवाही को प्रधानमंत्री से लेकर केसी जैन जी, विशाल कुमार जी और मनोज जी, आप तीनों ही एक अच्छी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता है, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक एक करके बोलेंगे, आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, कुछ नाम मुझे समझ आ रहे, जब सोचे मैं नहीं समझ पाऊंगी तो जनता क्या समझेगी। मेरा सवाल मनोज जी से था, मनोज जी ने कहा कि ये जो सदन है ना, ये विधायकों का स्कूल है, लेकिन किस स्कूल में जो शिक्षक है वो ऐसी बातें करता है, जरा आप मुझे बताइए। देखिए हर जगह का हर, देखिए मैंने शुरू में कहा कि हर विषय की अलग अलग स्कूल है, और ये अगर वो विषय चल रहा था, अरे किसी से जी रुकिए ना, मैं आऊंगी आपके पास, बोलिए जनसंख्या नियंत्रण तो उस समय वहाँ पर चल रहा था, शब्दों का चयन मैंने कहा, अब मैंने ही नहीं कहा, सभी ने कहा कि शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन मनसा हमारी गलत नहीं थी, लेकिन बीजेपी वाले अगर वहां चुप रह गए तो इसी शब्दों का केयर मुख्यमंत्री जी ने विधान परिषद में किया, तो वो क्यों वहां पर चुप रह गए, वहां पर उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली, आज जो उस समय उन्होंने वहां क्यों नहीं गलत कहा, एक बार भी नहीं कहा, अरे कुटवर विधान परिषद का कुटवर चुप रहे, तो मैं वो कह रहा हूँ उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी, तो ये इस पर पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेता को माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, उनका तो हमेशा से इसी तरह का रहता है। मनोज लाल जी, बीजेपी के नेता किस बात पे माफी मांगे, मणिपुर की सदन के अंदर नीतीश कुमार बयान देते हैं और आप बीजेपी के नेताओं से किस बात की माफी मंगवा रहे हैं बिहार में इस बयान के बाद। देखिए नीतीश कुमार पर किसी महिला ने आरोप नहीं लगाया है, मुस्कान जी आप भी थोड़ा सा समझ लीजिए, अरे मैंने सुना है वो बयान, सुना मुझे सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप होमवर्क लेकर क्या आए हैं, एमएलसी होते रोते बाहर आई है, पूरा प्रदेश मैंने जिसको नहीं बोलना चाहिए, बीजेपी के किसी लीडर ने कुछ नहीं बोला,
इसका भी आप जरा सा ख्याल रखें। मणिपुर में माँ बहनों को नेहरा परेड कराया गया, इस पर भी एक प्रधानमंत्री तत्पर थी। बीजेपी के कोई अधिवक्ता भी रेप किया गया है। आप तो भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, कह रहे किसी महिलाओं ने प्रश्न उठाया, यहाँ पे चर्चा किस बात पे हो रही है? मुस्कान जी स्वयं एक महिला है, स्वयं एक लड़की है, और आप इतने लोगों ने पूरा प्रदेश पूरा देश सवाल उठा रहा है, पूरे देश की 50% आबादी सवाल उठा रही है, और आप समर्थन में बैठे हैं, कह रहे कोई सवाल नहीं है, सवाल नहीं तो क्यों माफी मांगी? मैं नहीं बोला तो क्यों माफी मांगी? क्यों कह रहे मैं शर्मिंदा हूँ? अगर शर्मिंदा है उसको भी जरा सा देखा कीजिए। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मुद्दे को डिरेल करना बखूबी जानते हैं आप सब। जब बिहार में सवाल उठा तो आपको फिर एक बार मणिपुर याद आ गया, फिर एक बार तमाम केंद्रीय मंत्री याद आ गए, लेकिन अब नीतीश कुमार के बयान पर साफ तौर पर ये कहते हैं कि मंशा साफ है हमारी, लेकिन शब्दों का चयन गलत हो सकता है। विधायकों के विद्या के मंदिर में ऐसे शब्दों का चयन किया जाएगा, फिर आप चाहेंगे कि सवाल न पूछा जाए, और जब मीडिया वाले आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उनको बोलेंगे कि आप बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं, जैसा कि आपने मेरे साथ भी किया, कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है, आप बीजेपी के समर्थन में हैं, आप मोदी से माफी क्यों नहीं मंगवाती हैं। जब जिन मुद्दों की जरूरत होती है प्राइम टीवी उन मुद्दों पर सक्रियता से तत्परता से बात करता है, और मैंने सवाल उठाए हैं हर एक मुद्दे पर उठाए हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे ऊपर पॉइंट आउट मत करिए कि मैंने उठाए नहीं है सवाल। अगर आज नीतीश कुमार का बयान गलत है तो एक महिला होने के नाते मैं आपसे सवाल करूंगी, एक महिला डिबेटर होने के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि ये बयान गलत था और गलत रहेगा, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं मनोज जी। बीजेपी के विधायक चुप खड़े थे, निवेदिता सिंह बाहर रो रही थी, आज जब देश के खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप इनके नेता के ऊपर लगाया तब ये क्यों नहीं रो रही थी? ये हमने आपसे पूछा कि आप उनसे सुनिए मनोज जी, चलिए निवेदिता जी को रोना तो आ गया, लेकिन आपके तो महिला विधायकों ने एक आवाज तक नहीं उठाई। आप तो पक्ष में हैं, आपके पास सत्ता है, आपके विधायकों ने एक भी बार जहमत नहीं उठाई कि वो महिलाओं के समर्थन में बोल दे। आप इसमें भी विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो आकर के आपको समझाए क्या सही बात क्या गलत है? मुस्कान जी अगर कोई मामला हो और उसका अगर कोई गलत सेंस होगा तभी कोई उठाएगा। जिस मामले का कोई गलत सेंस था ही नहीं, वो मकसद था ही नहीं, तो उस बीच पर क्या उठावेगा? यहाँ लो टंकी छोड़ो, हम लोगों को दिखाना है, बाहर में रोने लगी, इससे बड़ा भी कोई नौटंकी हो सकता है क्या? ठीक है, विशाल कुमार जी का आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। अब देखिए, आपने अभी निवेदिता सिंह जी पर बोला पूछ रहे थे, लेकिन निवेदिता सिंह जी किस तरह की राजनीति कर रहे हो आज बिहार जनता देख रहा है। निवेदिता सिंह जी की आंख में आंसू कोई उस समय नहीं देखा था जब मणिपुर में घटना हुई थी। निवेदिता सिंह की आंख में आंसू जब कोई उस समय नहीं देखा था जब प्रधानमंत्री जी ने एक चुने हुए सांसद को भरी सदन में शूर्पणखा बोलने का काम किया था। निवेदिता सिंह की आंख में आंसू आपने उस समय नहीं देखा था जिस समय दिल्ली में देश की खिलाड़ी बेटियां बैठी थी और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा रहे थे, और कोई भाजपा का नेता प्रधानमंत्री जब ऐसा शब्द बोल सकता है तो भाजपा का नेता से क्या गुंजाइश किया जा सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उनके शब्द का चयन गलत हो सकता है, लेकिन उनका सोच गलत हो सकता है। आज ये बताना होगा कि महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार कितना आगे, आज आपको बताना होगा महिला के मामले में बिहार कितना विकास किया है, ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही। समर्थन में आप खड़े धिक्कार है आपको। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखिए, बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान आए हैं उस पर डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो गया है। लगातार जब से ये बयान सामने आए हैं, जब नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आए तो लाजमी है कि उनके समर्थक जो है वो भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर साफ तौर पर कहा कि उनकी जो मंशा है वो साफ और उनके शब्दों का चयन गलत हो सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरना शुरू
शुरू किया तो फिर नीतीश कुमार 24 घंटे का भी समय नहीं बीता था कि मीडिया के सामने आ गए और माफी मांगते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन अब ये मुद्दा गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से सदन के अंदर शब्दों का चयन किया गया, जिस तरीके से सदन के अंदर एक जनसंख्या बढ़ने के पीछे जो प्रोसेस होती है उसको बताया गया, ये पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बीजेपी द्वारा ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। अब बीजेपी मांग उठा रही है कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे क्योंकि आज भी जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया गया है। अब नीतीश कुमार का ये बयान सियासत में कितना बड़ा रंग लाएगा और कितनी बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।